का अंतिम दिन है। कहते हैं आज पितृ अपनी जगह वापस लौट जाते हैं, तो उनके नाम से किया हुआ दान पुण्य, ब्राह्मणों को भोजन, गरीबों को भोजन कराने से उनको बहुत संतुष्टि होती है। मेरे लिए शायद करना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जब सबको करते हुए देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना करना कुछ करने से तो बेहतर है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि कुछ मन में मकसद लेके ही कोई काम किया जाए, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुशी के लिए भी करना चाहिए। और जब आपके मन में किसी भी तरह की कोई लालसा ना हो ना, तो वो काम करने में ज़्यादा मन लगता है। तो बस आज मैंने ऐसा ही कुछ करने को ठाना था। आज के दिन पहले से ही सोच के रखी थी कि मेरे अगल बगल जो ऐसे आदमी हैं जो रोज़मर्रा के दिन में मुझे बहुत हेल्प करते हैं, उनके लिए कुछ आज ज़रूर बनाऊंगी और उन्हें आज खिलाऊंगी। तो हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद मैं उस काम में लग गई। कुछ काम जब खुद ठान लीजिए तो वो काम बहुत आसान हो जाता है, बस ठानने भर की देर रहती है। सबको पैक करने में लग गई, पैकिंग कुछ ऐसे की ताकि खाने वाले को भी दिक्कत ना हो। हाँ, इन सब कामों में थोड़ी मेहनत तो होती है, पर उसके बाद जो फुल सेटिस्फेक्शन होता है वो करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो बस अपने कामों के अंतिम पड़ाव में पहुंच गई थी, सबको अच्छे से पैक कर ली और जो जो एक एक करके सामने आता गया उनको मैं ये पैकेट पकड़ाती गई और जो मेरे पास नहीं आ पाए उनको ले जाके मैं वहाँ तक पहुँचा दी। और कल से अब स्टार्ट है मेरा नवरात्रा, तो चलिए उसके लिए अपनी माता की चौकी भी बैठाना है। तो इसके लिए कुछ नया सेटअप करना था, मैंने जो दिमाग में बना के रखा था कि पूजा के जहाँ पे मेरी पूजा होती है वहीं पे मैं अपनी चौकी बिछाऊंगी ताकि पूजा करने में भी सुविधा हो। तो वहाँ से मैंने अपने छोटे से कबर्ड को हटा लिया जिसमें मेरी पूजा की सामान रहती है, तो थोड़ा बहुत गंदा था तो उसकी सफाई करनी ज़रूरी थी, तो अच्छी तरह से साफ़ कर ली। फिर वहाँ पर मैंने एक चौकी बिछा लिया, चौकी के ऊपर मुझे जो कपड़ा बिछाना था एक एक करके मैं उसको चेक करती गई कि वो उसके साइज का है या नहीं, या फिर जो ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसी को बिछाने का मैंने ठान लिया था। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इस चौकी को सजा लिया है। अब यहीं से मेरी कल की पूजा की शुरुआत होगी। जो जो सामान मैंने माता रानी के लिए खरीदा था उन सबको इकट्ठा रखना ज़रूरी था। ये मैंने उनके लिए पोशाक लिया है, इसमें बहुत ही अच्छा सा छोटे छोटे बीड्स के काम किए हुए हैं और ये मोतियों की माला। इस बार माला खरीदते वक्त मैंने ध्यान रखा कि वो बिल्कुल उनके ड्रेस से मैच करता हो। और एक मैंने दूसरा सेट खरीदा है, कल बहुत ही शुभ दिन है इसलिए मैंने जो एक नया विग्रह खरीदा है तो कल उसकी भी मैं पूजा की शुरुआत करूँगी। और ये माता रानी के श्रृंगार का सारा सामान, सब चीज़ को एक एक करके मैं इकट्ठा रखती गई ताकि सुबह मुझे बहुत दिक्कत ना हो। और दिया का नीचे रखने के लिए ये अष्टदल कमल के लिए मैंने चावल को रंग लिया था, पान सुपारी लौंग इलायची पंचमेवा ये जो रोज़ भोग में लगते हैं सबको एक जगह इकट्ठा रख ली। और ये कुछ मेरे बर्तन जिसे मुझे अभी साफ़ कर लेना है। माता रानी का वस्त्र मैं इस डब्बे में रखती हूँ। उनके श्रृंगार का सारा सामान तो मैं इकट्ठा रख ली, पर एक छोटा सा मुकुट मैंने उनके लिए ख़रीदा था जो मुझे मिल नहीं रहा था, उसी को मैं इतने ध्यान से खोज रही हूँ वो किसी कपड़े के बीच में छिप गई थी। इस तरह के सिमिलर एक दो मुकुट तो मेरे पास मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, पर ये वाला मुझे बहुत पसंद था, ये जो बड़ा वाला है मैं नवरात्रा में उनको यही पहनाऊंगी ये सोच के रखा था। छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें मुझे याद आती जा रही थी मैंने एक लिस्ट बनाया था, उन सबको मैं एक थाली में करके रखते गई ताकि सुबह मुझे खोजने की ज़रूरत ना पड़े। और सुबह मुझे दरवाजे पर लगाना है बंदरवा और ये मैं अशोक के पत्ते से बना रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि अकेले हाथ ही मुझे सारा काम करना रहता है और वो टाइम पे भी ख़त्म करना रहता है, तो यदि बहुत तामझाम बढ़ा लूँगी तो कोई काम नहीं कर पाऊँगी। मैं आम के पत्ते ले आई, सारे बर्तन को धो ली, हवन सामग्री जो मेरे पास हमेशा रहती है उसे भी निकाल के मैं सामने रख ली और ये रखा हुआ है मेरा बना हुआ बंदरवा। फूल आ गया, फल आ गया, दूध दही आ गया, नारियल आ गया क्योंकि सुबह मुझे माँ का पंचामृत से अभिषेक भी करना है। तो शुरू हो गई आज से मेरी नवरात्रा की सुबह। सुबह उठी सबसे पहले मैंने अपने घर को साफ किया क्योंकि बिना सफाई तो पूजा की शुरुआत नहीं हो सकती। रात में जो पूजा के बर्तन रखे हुए थे उन सबको भी पहले धो के साफ कर लिया, सब जगह पहले एक जगह इकट्ठा रख लूँगी। ये सब मेरे रोज़ पूजा के बर्तन हैं जो मुझे
रोजाना काम आते हैं, तो जो मंदिर में दूसरे भगवान जी हैं उनके पास भी तो कुछ रखना है, इसलिए इन सब बर्तन को साफ कर रही हूँ। मैं हो गई हूँ स्नान करके तैयार, तो पहले खुद थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो नहीं है कि अपने पीछे समय लगा पाऊँगी। तो जल्दी जल्दी तैयार हो गई, अब बना ले रही हूँ मैं पंचामृत। दूध में मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया, दूध में मैं मिक्स कर ली दही, भूरा, शहद, घी और गंगा जल। ये पंचामृत बना के मैंने रख लिया। मेरे घर में जितने भी विग्रह हैं सबको आज मैं इससे स्नान करवाऊंगी। और पहला दिन है तो थोड़ा सा भोग बनाना तो बनता ही है। बाहर की कितनी भी मिठाई फल हो, थोड़ा सा भोग तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। अब एक एक करके सारे विग्रह को पहले मैं स्नान करवा ली, फिर उसे अच्छे से तैयार कर दी। लास्ट में आई मेरी माता रानी के अब स्नान का समय, क्योंकि उनको तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। अब बहुत प्रेम से मैं करती हूँ, बहुत मन लगता है मुझे ये करने में। और ये मेरे शिव परिवार का ये विग्रह है, आज ही मुझे इनको भी स्थापित करना है, तो उनकी भी मैं सेम उसी तरह से स्नान ध्यान करा के श्रृंगार करके उनको आसन पे आज से पूजा शुरू करूँगी। सभी विग्रह को पहले मैं तैयार कर ली, सबसे लास्ट में मैंने माता रानी का श्रृंगार शुरू किया, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं तो बहुत मन लगता है कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए, हड़बड़ी में कोई सी चीज़ को भूल नहीं जाऊँ, इसलिए लास्ट में मैं उनको पूरा टाइम देती हूँ। उनको अच्छे से तैयार करके मैंने आसन ग्रहण करवा दिया। और ये मेरा दीपक है, कोई बहुत बड़ी पुजारी तो हूँ नहीं, बस जो मन में आता है उतना तो मैं करती रहती हूँ, और बस क्षमा मांगते रहती हूँ कि माँ जितना भी किया है तुम्हारे लिए प्रेम से किया है। और ये जो बंदरवार बनाया है उसे मैंने दरवाजे पे टांग दिया और उस पर थोड़ा सा तिलक भी लगा दिया। और मेरे मेन डोर के बाहर दरवाजे पे भी मैंने दोनों तरफ की दीवार पे स्वास्तिक बना लिया है। मैं इन सब कामों को निपटा रही थी, उधर मेरे हस्बैंड अपना पाठ के लिए बैठ चुके हैं, उनके पाठ के बाद मैं बैठूंगी। यदि मेरा काम खत्म हो गया तो मैं साथ में ही बैठ जाऊंगी। और ऐसा मेरा दिन का शुरुआत रहा नवरात्रि का पहला। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा।